अच्छा भोजपुरी फिल्मों के सबने देखा होगा टाइटल जो होते हैं बड़े ही मनोरंजक होते हैं आज क्योंकि आप सब लोग हिंदी फिल्में भी देखते हैं आप इंग्लिश फिल्में भी देखते हैं तो आप सबको मैं कुछ टाइटल देता हूँ कि अगर हॉलीवुड की कुछ फिल्में भोजपुरी में बनती तो उनके टाइटल के मतलब क्या होते एक फिल्म में कैच मी इफ यू कैन पकड़ सकले पकड़ ले नहीं तो मर जीवे गेट रिच और ट्राई डाइंग अमीर बन जो ना तो ट्राई करत करत मर जाइबा ट्राई करत करत मर जाइबा ओके बेबीज डे आउट बुचिया बाहर गई ले बाहर गई ना बबुनी बाहर गई बबुनी बाहर गई बिया द एवेंजर्स अगर बने तो द एवेंजर्स एवेंजर्स दुनिया गई पगला के ले बदला एक धुआंधार लड़ाई एवेंजर बा ओके क्लैश ऑफ द टाइटंस चुड़ुक्कन की लड़ाई चुड़ुक्कन अच्छा वो लगाई लू लाल लिपस्टिक वाले उनको भी लेके आना चाहिए था आपको यार मैंने वो गाना बड़ा सुना मुझे पहले लगता था ये आपका गाना है वो आने वाले थे अच्छा बात हुई उनसे मैंने पूछा कि आप आ रहे हो क्या हम लोग अच्छा। आ रहे हैं तो पूछे कि खेसारी जी आ रहे हैं बोले हाँ आ रहे हैं बोले हम नहीं आएंगे ऐसे क्यों वो सेम है जैसा वो जब मनोज भैया आते हैं हाँ तो रवि भैया पता करते मनोज जी आ रहे हैं हाँ, मैं नहीं आऊंगा बोले हाँ तो हम नहीं आ रहे हैं ऐसे क्यों बहुत इतना याराना है बहुत प्यार है वही फिल्म जो हम लोग शूट कर रहे थे गंगा जमुना सरस्वती उसका किस्से तो कितने हैं आपके पास बहुत सारे सर रोज किस्सा ही होता था जी सर पहली भोजपुरी फिल्म थी नॉर्मली हम लोग 30 दिन में बना लेते हैं 30 से 35 दिन अच्छा जी वो पहली भोजपुरी फिल्म थी जो 6 साल तक बनी 6 साल क्यों क्योंकि रोज किस्सा ही होता था शूटिंग कम होती थी अच्छा अब जैसे एक दिन एक सीन था उसमें मैं भी था रवि भैया थे मनोज भैया थे सीन होने के बाद आके मॉनिटर पे देख रहे थे हम लोग तो मनोज भैया बोले क्या है तू जब उधर से आता है तो मैं ना इधर से तेरे को थोड़ा धक्का दूंगा अच्छा रवि भैया बोले एक मिनट मैंने बाबू तुमको कभी कहा कि तुम तार सप्तक में गाओ खड़ज में गाओ नहीं कहा ना मेरे को एक्टिंग मत सिखाना नहीं तो मैं अभी गोली मार के मर जाऊंगा तो वो दोनों के बीच में तो चलता ही है जैसे इनके वजह से वो क्यों नहीं आते हैं अच्छा फंस के पवन जी एक बार दिल्ली में एक किसी होटल में शूटिंग करके बैठे थे और खेसारी जी गए थे दिल्ली इनको पता चला कि वो भी वहीं पे हैं अच्छा खेसारी जी गए अपना दोनों लोग मिले और अचानक इनका कुछ प्लान रहा होगा इन्होंने काफी प्लान बनाते भी रहते हैं अच्छा तो इनका कुछ ऐसा प्लान रहा होगा उन्होंने कहा कि भैया ये जो होटल बा ना ऐसने होटल हमें को बनावा था नहीं लेकिन पानी के बीच में अच्छा और कट टू वहां से पवन जी उठ गए अब एक शब्द बोला ना खिड़की खोल के बेटा कूद के मर जाए और सबके पता बा कि कमरा में तू ही रहला फंस जाएगा तो ये बोले कि अरे भैया सुनी ना मतलब अरे अभी प्लान चला था फिर बोल रहा तू खुद ही कहा खुद ही अच्छा बोले नहीं भैया नहीं बोलेंगे आइए यही सबसे वो ना वो अच्छा। बोलते हैं कि जब ये सब मैं सुनता हूँ हाँ। तो बोलते हैं कि मैं डिप्रेशन में चला जाता हूँ